देश में इस वक्त स्वास्थ्य हालात बेहद खराब बने हुए हैं, जिसे सुधारने के लिए केंद्र सरकार कोशिश में जुटी हुई है। तो वहीं भारतीय रिजर्व बैंक इस मुसीबत की वजह से गर्त में जाती अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। और यही वजह है कि हाल ही में RBI के गवर्नर ने एक बार फिर से कई बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन ऐलान जनता की बचत पर कैची चला सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी ने पूरी दुनिया को वैश्विक मंदी की ओर धकेल दिया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत की पहले से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था अब और भी गर्त में जाती नजर आ रही है, क्योंकि मौजूदा हालात के मद्देनजर देश में तालाबंदी लागू है और कामकाज ठप पड़ा है, जिसके चलते आर्थिक नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि अब भारतीय रिजर्व बैंक भी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने जनता को राहत पहुंचाने के मकसद से कई बड़े ऐलान किए। इसमें सबसे बड़ा ऐलान रिवर्स रेपो रेट में कटौती का है। RBI ने यह फैसला बाजार में नकदी के फ्लो को बरकरार रखने के लिए लिया है। दरअसल इससे बैंकों की ओर से RBI को जमा की गई रकम पर कम ब्याज मिलेगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बैंक इस जमा राशि को निकालकर ज्यादा मुनाफे के लिए बाजार में निवेश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ग्राहकों को लोन आसानी से देंगे, वहीं बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी। RBI के इस फैसले से नकदी की समस्या तो दूर हो सकती है, लेकिन ग्राहकों की बचत पर कैंची भी चल सकती है। दरअसल रिवर्स रेपो रेट कटौती के बाद इस बात की आशंका है कि बैंक एक बार फिर अपने फिक्स्ड डिपॉजिट समेत अन्य सेविंग्स पर कटौती कर दें। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि जब बैंकों की ओर से बाजार में नकदी का फ्लो बढ़ाया जाएगा तो ये आशंका है कि ग्राहक कर्ज लेकर निवेश की ओर रुख कर सकते हैं। इससे बाजार में नकदी को बरकरार रखने का मकसद नाकाम हो सकता है, यानी साफ तौर पर जनता की बचत पर कैंची चल सकती है। ऐसे में RBI के फैसले से जनता को नुकसान ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं ये देखना होगा। DB Live की रिपोर्ट।